हेलो फ्रेंड्स, हाउस होल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मीठी मठी जो गुड़ से बनाई जाती है। और आपने देखा होगा अक्सर हम शीतला सप्तमी वगैरह को या होली वगैरह पर ऐसी मीठी मठी ज़रूर बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं। जिसके दांत नहीं हो वो भी इसको आराम से खा सकते हैं। तो ये आप देखिए, मैंने दो तरह की बना दी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चलते हैं किचन में और पहले हम क्या करेंगे, एक ही बड़ा बाउल ले लेंगे मैदा और उससे थोड़ा आधा साइज में आटा लेंगे और उससे भी आधा साइज में हम ये सूजी लेंगे। तो सबसे कम हमने सूजी ली है, सबसे छोटा कटोरी सूजी ली है और ये 3/4 कटोरी हमने ये गुड़ लिया है। हमने इसको तोड़ लिया था और ये सबसे छोटी कटोरी हमने ये रिफाइंड लिया। अब पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेते हैं और उसके अंदर हम ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास करीबन हम पानी डालेंगे। देखिए इतना ही पानी डालना है, आधा गिलास से भी थोड़ा सा हल्का कमी है। और उसके बाद ये गुड़ इसके अंदर हम डाल देंगे। गुड़ आप देख लीजिए, कभी ज्यादा मीठा गुड़ होता है, कभी फीका वाला थोड़ा आता है। तो जैसा गुड़ उस हिसाब से तो क्वांटिटी आप थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सभी गुड़ को हम इस पानी के अंदर डाल देते हैं। अगर आप गुनगुना पानी लेंगे तो थोड़ा और जल्दी से घुल जाएगा इसके अंदर, ठंडा पानी लेंगे तो भी घुल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने गुनगुना पानी डाला है, इसको हम घोल लेते हैं। ये देखिए इस तरह हमने इसको घोल बना लिया है, बिल्कुल गुड़ को अंदर मेल्ट हो गया है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह आप गड़गड़ खांड होती है ना वो भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह की खांड होती है ना, गुड़िया भी गुड़ की बनी होती है, आप इससे बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी मीठी उसकी गुड़ की तुलना में कम होती है तो थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो हमने गुड़ का घोल बना लिया, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो पहले हम डो तैयार करेंगे। तो पहले हम ये बड़ा कटोरी जो हमने मैदा लिया है वो इसमें डालेंगे और उसके बाद ये आटा जो हमने लिया वो भी इसमें डाल देंगे। मेजरमेंट का ध्यान रखिए, तो सबसे ज़्यादा मैदा लिया उससे छोटी कटोरी हमने आटा लिया, सबसे छोटी कटोरी हमने सूजी ली है। ये देखिए इस कटोरी से आधी कटोरी है ये, हम इसके अंदर डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिक्स जरूर कर लीजिएगा। ये मिक्स करने के बाद हम ये रिफाइंड इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक बार डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको मोंड लगाना बोलते हैं, जिससे कि बहुत सॉफ्ट बनती है ये। और सूजी भी डालते हैं इसलिए, क्योंकि कुरकुरी बनेगी तो इसलिए हमने सूजी भी डाली है। इसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। आपको आइडिया नहीं लगे कटोरी से हम कितना डालें तो आप, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप स्पून से, बड़े स्पून से भी डाल सकते हैं। तो 2-3 बड़े स्पून डाल के और इसको अच्छे से मिला लें, इस तरह से मिला के। और आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे, आपको परफेक्ट आइडिया लगाना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप मैदा को मुट्ठी में डाल के और लड्डू से बना के देखिए इस तरह से। तो ये अच्छे लड्डू से बनता है, तो आपका मैदा परफेक्ट है। आप चम्मच से डालें तो आप ऐसे चेक कर लें। तो अच्छे से हमने मिला लिया है और उसके बाद ये गुड़ का जो घोल है वो इसके अंदर हम डालेंगे। ऐसे नहीं डालेंगे, छान लेते हैं, क्योंकि गुड़ में इंप्योरिटी होती है थोड़ी सी, तो छानने से इसके छलनी में रह जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से इसको डालेंगे और इसको घोल डाल के अच्छे से आटे को तैयार करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। इसका थोड़ा सा जो आटा होता है ना, थोड़ा सख्ती लगाते हैं, इतना सॉफ्ट आटा नहीं लगाते। ये मट्ठी है तो थोड़ा टाइट आटा इसका लगेगा। इस तरह से हम इसको मिला के, और हमको लग रहा है अभी गुड़ कम लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें और ये घोल डाल देते हैं। अगर घोल बच जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। और आपको लग रहा है कि घोल कम पड़ गया है और हमारा अभी डो नहीं तैयार हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल लीजिए या थोड़ा सा पानी डाल के और इसको फिर से गूंद सकते हो। आगे इसमें उस बाउल में डाल के अच्छे से मिला के डाल सकते हो। देखिए इस तरह से हमने टाइट टू लगाया है। आप देख रहे हैं कैसे बिखरा बिखरा हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको सेट हो जाएगा। थोड़ी देर इसको ऐसे रखते हैं। और आप चाहे तो आप इसके अंदर सौंफ डाल सकते हैं, क्योंकि सौंफ खासे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सौंफ पसंद नहीं है इसमें डालना। देखिए इस तरह का डो है, ज़्यादा टाइट है, एकदम एकदम सॉफ्ट, पूरी जैसा ही है ये।
अब उसके बाद ही हमने 5-10 मिनट बाद इसको रेस्ट करने रखा था और इसको निधा लिया है हमने हाथ में, और इसकी मोटी बड़ी बड़ी सी थोड़ी बड़ी मोटी लोई बना लेंगे इस तरह से दबाते हुए, और क्योंकि ये थोड़ा सख्त है तो इसकी किनारी थोड़ी फटेगी, तो इस तरह से हम इसको किनारी को ऐसे गोल गोल दबाते हुए हथेली की सहायता से इस तरह से इसकी लोई तैयार करेंगे बड़ी सी। थोड़ा सा इस पर हम ग्रीस कर लेंगे पहले नीचे थोड़ा सा पट्टे को, और उसके बाद इस पर थोड़ा सा ग्रीस करने के बाद इसको बेल लेते हैं, हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। देखिए मैंने कहा था थोड़ा टाइट डो है तो इसकी किनारी फटती है इस तरह से, और कोई दिक्कत नहीं है, इसको फटती है तो फटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको बेल लीजिए। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे इसको, थोड़ा सा हल्का सा मोटा ही रखेंगे, इस तरह से चारों तरफ से बेल लीजिए। तो लीजिए हमने इसको बेल के तैयार कर लिया, आपको दिखा देते हैं इसकी मोटाई कितनी रखनी है। देखिए इतना मोटा रखेंगे, किनारी टूट रही है पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसको गिलास से कट करेंगे तो एक्स्ट्रा जो किनारी फटी हुई हट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से गिलास को हम रख के और गोल गोल मट्टी तैयार कर लेंगे, इससे क्या होगा इक्वल साइज की बनेगी सभी और देखने में सुंदर लगेगी। आप चाहे तो छोटी छोटी लोई बनाकर अलग अलग बेल लीजिए, वो उसमें थोड़ा ज्यादा अलग अलग साइज की बनेगी और उसकी किनारी फटी हुई दिखेगी वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम इसको ग्लास से ऐसे कट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा इसको हटा लेते हैं। ये फिर से दो करने मिलाएंगे, इस तरह से मट्टी को हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए इतनी अच्छी मट्टी लग रही है ना, इसको हम इस तरह से बना के मट्टी को तैयार करेंगे। अभी दूसरा डो लेके मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे ऐसे तोड़ तोड़ के उसे लोई बना लेंगे छोटी सी इस तरह से, और उसको दबाते हुए गोल गोल करेंगे और हाथ से दबा के मट्टी का शेप देंगे इस तरह से देखिए, और इसको हम कोई चाकू लेके उसके अंदर किनारी को ऐसे दबाते हुए उसके अंदर डालेंगे, दबा देके डिजाइन सी बना देंगे इस तरह से, देखिए डिजाइन बन जाती है, तो लग रहा है ना बिस्किट जैसा बिल्कुल, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मैं आप थोड़ी सी आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, थोड़ी इस तरह से बनाएंगे, आपकी इच्छा है जैसे मर्जी आप काट सकते हैं, आप चाहे तो बड़ा बेल के और चाकू की सहायता से इसको ट्रायंगल शेप में काट लें, कैसे भी काट लें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तरह से मैंने मट्टी को भी तैयार कर लिया है, और इसको मैं क्या करूंगी, मट्टी के अंदर थोड़ा फोर्क होगा ना, सबके घर में फोर्क होता ही है, उस फोर्क से हम इसके अंदर छेद बनाएंगे जिससे कि मट्टी फूलेगी नहीं, ये तो फिर क्या अगर छेद नहीं बनाएंगे तो फूल जाती है, तो फिर मट्टी जैसी नहीं बनेगी, वो पूरी जैसी बन जाएगी, उसमें सभी हम छेद कर लेंगे। इस तरह से हम इसको छेद कर लेते हैं, और हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे तेल रख दिया हमने गरम, और इसके अंदर ये ज्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीडियम ही गैस का तेल रहना चाहिए, ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हम ये मट्टी डाल देंगे और थोड़ी देर इसको पड़े रहने देंगे, एक साइड से ब्राउन होने के बाद हम इसको धीरे से पलटेंगे, हल्के हाथ से इसको पलटना है, नहीं तो ये टूट जाती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। देखिए ब्राउन हो गई है, तो इसको हम निकालेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, ज्यादा तेज करेंगे तो ऊपर से तो सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो उसको कम फ्लेम पर ही कुरकुरी भुनेंगे। ये देख लीजिए किस अच्छी तली गई है। अब इसी प्रकार से मट्टी को भी हम तल लेंगे, इनको भी 2 मिनट पड़ी रहने देते हैं, ये फिर 2 मिनट बाद ही एक साइड से हल्की सी सुनहरी होने लगेगी ना गोल्डन, तब इसको पलटेंगे, आहिस्ता से पलटे नहीं तो फिर टूट जाती है। थोड़ी देर बाद रख निकालेंगे, उस तक तो सॉफ्ट रहती है निकालने के बाद भी, और बाद में जब थोड़ी देर रखी रहती है जब ये कुरकुरी बनती है। अब देखिए हम इसको भी निकाल लेते हैं, इसी तरह से हम सभी मट्टी को तलकर तैयार करेंगे। ये लीजिए मैंने फ्रेंड्स सभी मट्टियों को तल ली है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकॉन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, ये फ्री में ही है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितनी आसानी से टूट रही है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट मट्टी बनी है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा।